हाई एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल स्टाइल विद पैशन। तो आज के मेरे वीडियो में मैं आप लोगों को मेरे डिशवॉशर का डेमो और रिव्यू दोनों देने वाली हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने बताया था जैसे कि मैंने डिशवॉशर खरीदा है तो आप लोगों ने मुझे कॉमेंट सेक्शन में बहुत कॉमेंट्स किए कि एज सुन एज पॉसिबल आप डिशवॉशर का डेमो और रिव्यू दीजिए, क्योंकि हम लोग को भी इसकी बहुत ज़रूरत है। काम वालियों के काम से हम भी परेशान हैं, तो अगर ये यूज़फुल रहा तो हम भी खरीदने का सोच रहे हैं करके। तो मेरे घर में रिक्वायरमेंट थी इसलिए मैंने ख़रीदा, और मैंने इसके बारे में काफ़ी जो है तहकीकात करी, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, बहुत सारे वीडियोस देखे और बहुत सारे शोरूम्स भी घूमे इसको ख़रीदने से पहले, और फाइनली ख़रीद लिया। तो मैंने ये डिशवॉशर जो है 47,000 का ख़रीदा है, सिल्वर कलर का है, LG कंपनी है, और इसमें आपको वाइट कलर भी अवेलेबल है, और उसके अलावा रेट में भी कलर की वजह से 4,000 का अंतर है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दे दूंगी, आप अगर परचेज करना चाहे तो कर सकते हैं। इसका डेमो दिखाने से पहले मैं कुछ जो आपको इसके लिए डूस एंड डोंट्स जो फॉलो कर रहे हैं वो बता देती हूँ। जैसे कि हम नॉर्मल बर्तन धोते हैं, अगर वो काफ़ी सूख जाएँ और उसके बाद हम धोना शुरू करें तुरंत, तो जल्दी जो है वो जो जूठा होता है उसके ऊपर जूठन जो होता है वो जाता नहीं है जल्दी से, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं बर्तनों को सोख के रखते हैं। सेम गोस विद दिस। तो अगर आप मान लीजिए डिशवॉशर में खाने के बाद तुरंत ही रख रहे हैं, तब तो जो है खाना उस पर सूखा नहीं होता है, जो भी जूठन होता है वो सूखा नहीं होता है, तब आप वैसे का वैसा रखेंगे तो वो आराम से क्लीन कर देगा। अगर आप मान लीजिए पूरा दिन उसको इकट्ठा करते करते अगर पूरा जो भी आइटम्स है, जो भी यूटेंसिल्स है वो सूख जा रहे हैं और उसके बाद आप उसको धोने के लिए डिशवॉशर में डाल रहे हैं, तो मैक्सिमम तो साफ़ कर देगा, थोड़े बहुत जो झूठा है थोड़ा बहुत रह सकता है। तो आप क्या कीजिए, अगर आप डायरेक्ट खाने के बाद तुरंत अगर डिशवॉशर को यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप तुरंत यूज़ कर सकते हैं, तब तो आपको उसको सोक करने की ज़रूरत नहीं है बर्तनों को। लेकिन अगर आप उसको बहुत ज़्यादा देर के बाद अगर डिशवॉशर में डालने वाले हैं तो आप सोक करके डालेंगे तो वो बेटर रहेगा, अगर आप बिना सोक करके डालेंगे तो वो अच्छी तरह से धोएगा नहीं। सेम जैसे कि अगर हम हाथों से भी धोएं, अगर ज़्यादा सूख जाता है तो फिर हमको जो है फिर उसको हॉल्ट पे पानी डाल के सोख करके रखना पड़ता है और हम सोचते हैं कि बाद में धोएंगे, तो सेम गोस विद दिस। ओनली ये है कि आपको इसमें रगड़ने की मेहनत नहीं है और वो सब नहीं है, बाकी क्लीनिंग तो ये बहुत अच्छा करता है, हाथों से भी अच्छा करता है, आपके बर्तनों को बहुत अच्छी तरह चमका देता है। तो आप जो बहुत सालों से बर्तन यूज़ कर रहे होंगे तो फर्स्ट यूज़ में ही आपको अगर शाइनिंग वाले एकदम जो है मिरर इमेज आ जाएगा तो वो मत एक्सपेक्ट कीजिए। आप उसी बर्तन को जब यूज़ करते रहेंगे, डिशवॉशर में धोते रहेंगे, तो ग्रेजुअली जो है उसमें शाइन भी आने लगेगी, क्योंकि मैंने करीबन 10 दिन से मैं यूज़ कर रही हूँ और मैंने ये नोटिस किया है। तो ये एक चीज़ है बताने वाली, अगर आपके बर्तन जो है काफ़ी ज़्यादा जल गए हैं या बहुत ज़्यादा उसमें कुछ चिपक गया है और उसको आप डायरेक्टली डिशवॉशर में डालेंगे तो वो थोड़ा बहुत ही क्लीन करेगा, जो भी उसके ऊपर जला हुआ है वो सब नहीं क्लीन करेगा। तो मैं इसमें एक टिप देना चाहूँगी जो मैंने इन दिनों में ऑब्जर्व करी है, अगर जो ज़्यादा जला हुआ भी है, अगर आप अगर उससे हाथ से भी क्लीन करना चाहते हैं या कोई स्टील पीस से भी साफ करना चाहते हैं तो हम उसको पहले जो है सोक करके रखते हैं और उसके बाद जो है क्लीन करने से जो भी पपड़ी वपड़ी आराम से आ जाती है। तो आपको मालूम होते हुए कि डिशवॉशर ऐसी चीज़ों को मतलब अच्छी तरह साफ नहीं करता है, तब भी आप जो है डिशवॉशर में उसको रख दीजिए, उससे क्या होगा कि जो बाकी बर्तन भी धुलेंगे और वो भी अच्छी तरह धुल जाएगा, तो जो बर्तन है अच्छी तरह सोक हो जाएगा, जो भी उसके अंदर आइटम्स है सारे नरम हो जाएंगे, क्योंकि जो भी हम आइटम्स डिशवॉशर में डालते हैं वो काफ़ी इफेक्टिव होते हैं। इसलिए जैसे ही आप मतलब जब आपका पूरा जो साइकिल ख़त्म हो जाएगा डिशवॉशर का, उसके बाद जब आप बर्तन निकालेंगे तो आपको डेफिनेटली उसमें जो गंदा है वो तो दिखेगा, लेकिन उसके बाद एक बार आप हाथ से उसको स्टील पीस लेके धो लेंगे तो वो तुरंत आ जाएगा, उतनी मेहनत आपको नहीं लगेगी जो आप डायरेक्ट हाथ से धोने के लिए लगाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कुछ ज़्यादा चिपका हुआ है तो आप ज़्यादा मेहनत उसको घिस घिस के निकालने की मत कीजिए, पहले जो है डिशवॉशर में रख दीजिए, जब उसका साइकिल ख़त्म हो जाए उसके बाद दोबारा एक बार साफ़ कर लीजिए। तो ये थी पहली चीज़, तो इसलिए मैंने उसको सबसे पहले बता दिया। उसके बाद जो है अभी आप सोचेंगे कि इसमें धोने के लिए आपको क्या यूज़ करना है बर्तन धोने के लिए, अभी जैसे हम हाथ से धोते हैं तो विम बार आता है हमारे पास, विम लिक्विड आता है, वो सब आता है, वो इसमें नहीं डालना है। तो इसके लिए अलग डिटर्जेंट आते हैं और वो कंपैरेटिवली इससे सस्ते होते हैं। अभी हम एक टिक्की खरीदते हैं, एक टिक्की जो होती है साबुन की कम से कम 45 रुपीज़ की होती है, जो हम लेते हैं कि महीना चलेगा, काम वाली को दे तो एक हफ्ते में घुल ले वो, तो अगर आप 45 45 का हिसाब लगाते जाए तो महीने में कम से कम 3 या 4 टिक्कियाँ लग जाती है, कभी कभी और ज़्यादा भी लग जाती है। तो ईजिली जो है बजट जो है आपका 300 रुपये से 400 रुपये तो बर्तन धोने के साबुनों में और लिक्विड्स में ही चला जाता है, और ज़्यादा भी हो सकता है आपके घर के बर्तन के हिसाब से, अगर बहुत ज़्यादा
बर्तन होते हैं तो टिक्की भी और ज़्यादा लगेगी, और काम वाली धोती है तो और भी ज़्यादा लगेगी। तो वो इसमें ऐसा कोई झंझट नहीं है। इसमें जो है तीन चीज़ें आती है, एक तो होता है डिशवॉशर डिटर्जेंट, दूसरा होता है डिशवॉशर रिंसेट, और तीसरा होता है डिशवॉशर सॉल्ट। डिशवॉशर डिटर्जेंट जो है वो हमारे बर्तनों को साफ करता है, जो भी साबुन वाला होता है, जो हम साबुन यूज़ करते हैं उसका काम करता है। इसमें रिंसेट जो होता है वो उसके ऊपर की जो गंदगी है और जो भी कड़े मैल है वो निकालने के लिए काम आता है, प्लस बर्तनों में एक अच्छी शाइन देने के काम आता है, इसलिए रिंसेट भी हमको पक्का ऐड करना होता है। प्लस अब एक इम्पॉर्टेंट जो है सॉल्ट है डिशवॉशर में, वो इसलिए डालते हैं कि जो भी आपका हार्ड वाटर है जिससे आप धो रहे हैं बर्तन, वो हार्ड वाटर को प्योरीफाई करता है, इसलिए वो सॉल्ट बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले जब भी आप डिशवॉशर ख़रीदते हैं तो इनिशियली तो आपको कंपनी के साथ, जो भी आपने कंपनी का ख़रीदा है वो कंपनी वाले जो टेक्नीशियन जब इंस्टॉल करने के लिए आते हैं वो उसके साथ ये तीनों चीज़ें पहली बार तो फ्री लेके आते हैं, डिटर्जेंट रिंसेड और सॉल्ट। जब पहली बार इसको यूज़ करना शुरू करते हैं तो इसमें जो अलग अलग सॉकेट्स है जहाँ पे भी इन चीज़ों को डालना होता है, सबसे पहले अटेम्प्ट में ही जो है सॉल्ट को डाल दिया जाता है, पूरा डब्बा जो है उसमें लुढ़का दिया जाता है। तो जब टेक्नीशियन आता है तो सबसे पहले वो जिसमें सॉल्ट डालते हैं उसमें थोड़ा सा वाटर डालता है, सबसे पहली बार ही डालना होता है, उसके बाद कभी भी डालने की ज़रूरत नहीं है, वो हमेशा जो है थोड़ा वाटर ऑटोमेटिकली स्टोर करके रखता है, वो इसलिए उसमें रहता है ताकि जो हम उसमें नमक डाल रहे हैं वो उसमें डिजॉल्व हो जाए और वो हमेशा वहीं पे रहता है, वहाँ से वो एवापोरेट नहीं होता है। तो सॉल्ट डालने के बाद जो है यहाँ पे वो एक और सॉकेट रहता है, उसमें जो है रिंसेट डालना होता है, तो रिंसेट भी जो है ऊपर दिखना चाहिए वैसा, उस लेवल तक डालना चाहिए हमको। तो ये दोनों चीज़ें जो है हम पहले से डाल के रखते हैं, रोज़ डालने की ज़रूरत नहीं है इसको। जब ख़त्म हो जाए तो आपको ऊपर इंडिकेशन दिखा देता है वो कि आपको डालना है सॉल्ट, डालना है सॉल्ट जो है उसमें ख़त्म हो गया है या रिंसेट जो है ख़त्म हो गया है, ऊपर जो है लाइट जल जाती है, जब वो लाइट जलेगी तो आप दोबारा उसमें फिल कर सकते हैं। और उसके बाद जो डिटर्जेंट है वो जब भी आप बर्तन वॉश करने के लिए उसमें रखते हैं तब तब आप उसको डाल सकते हैं, उसमें फिल कर सकते हैं। तो अगर आपने आधा ही लोड किया है तो आप पाउडर भी जो है उसमें डिटर्जेंट आधा ही डालिए, अगर आप फुल लोड कर रहे हैं तो उसको भर के डाल दीजिए। तो यही था इसके बारे में। तो चलिए अभी मैं आपको डिशवॉशर के पास लेके चलती हूँ और उसका एक्चुअल रिव्यू और डेमो और उसको प्रॉपरली यूज़ कैसे करना है और साफ़ कैसे करना है वो सब दिखाती हूँ। पहले उसका एक्सप्लेनेशन देने के बाद में मैं आपको एक्चुअली बर्तन उसमें कैसे अरेंज करने हैं और वो सब, मैंने सुबह ऑलरेडी मैं बर्तन धो चुकी हूँ तो मैंने उसका वीडियो शूट किया था, वो भी मैं आपको दिखा दूँगी, तो उसमें आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि डिशवॉशर को कैसे यूज़ करना है। तो ये रहा डिशवॉशर, तो इसके नीचे का स्टैंड भी मैंने ले चुका है ऑलरेडी, डायरेक्ट रखेंगे तो नीचे से फिर अगर बार बार पानी लगेगा तो जंग भी लग सकता है, इसलिए अगर आप डिशवॉशर लेने का सोच रहे हैं तो स्टैंड भी साथ साथ ले लीजिए, जब टेक्नीशियन आता है उसको बताने से वो लेके आ जाएगा साथ में। तो इसको खोलने से पहले यहाँ पे जो भी है इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। तो इसकी मोटर की जो गारंटी है वो 10 साल की है, और उसके अलावा इसको ऑपरेट करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है, तो इसको बस पावर बटन दबाते ही ये इस तरह से ऑन हो जाता है। अब इसमें देखिए यहाँ पे आपको क्विक दिख रहा है, केयर है, ईको है, ऑटो है और डुअल स्प्रे है। इसमें क्या है, टाइम का वेरिएशन है, तो ये जो क्विक है ये 29 मिनट्स का है, ये केयर है 1.5 आवर का है, ये ईको जो है 2 आवर्स का है, और ये डुअल स्प्रे जो है 2 आवर्स 15 मिनट्स का है। ऑटो जब आप लगाएंगे तो ऑटोमेटिक अपना ये टाइम सेट कर लेता है, आपके जो भी आपने इसमें आइटम्स रखे हैं अंदर तो वेट के हिसाब से वो अपना टाइम सेट कर लेता है ऑटोमेटिक। तो मान लीजिए आपने अगर अपने डिशवॉशर में हाफ लोड किया हुआ है, फुल लोड नहीं किया है, तब अगर आप हाफ लोड का ऑप्शन दबाएंगे तो आपका पावर भी सेव होगा, प्लस जो आपका टाइम है वॉश होने का वो भी आधा हो जाएगा। उसके अलावा जैसे कि आप यहाँ पे ये बटन देख रहे हैं डिले स्टार्ट, तो अगर आप इसमें टाइम सेट करके छोड़ देंगे जैसे कि वॉशिंग मशीन में होता है, सेम इसमें भी ऐसी है, अगर आप चाहते हैं कि आपके बर्तन अभी ना धोएं, 2-3 घंटे के बाद में धोएं, तो आप वो भी सेट कर सकते हैं। इसमें 24 घंटे तक डिले आप कर सकते हैं, तो यहाँ पे ये वाले ऑप्शन है। उसके अलावा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 ये लाइट्स है, अपर है, लोअर है, सॉल्ट है, रिंस है। तो ये जैसे कि मैंने बताया था कि अगर आपके इसमें सॉल्ट ख़त्म हो जाता है तो यहाँ पे ये सॉल्ट के ऊपर वाली जो लाइट है वो जल जाएगी, और जैसे आप उसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे तो ये लाइट जो है फिर बंद हो जाएगी, और रिंस लाइट भी ऐसे ही, और ये अपर और लोअर लाइट एक दी हुई है। तो अगर आपकी जो है एक ही ट्रे चल रही है, अगर आपने ऊपर वाले में लोड किया है तो ऊपर वाली लाइट जलेगी, अगर नीचे वाले में लोड किया तो नीचे वाली जलेगी। उसके अलावा यहाँ पे एक आपको छोटा सा लॉक दिख रहा होगा, तो ये लॉक जो है चाइल्ड लॉक है,
एक्चुअली जब हम इसको सेट करके ऑन कर देते हैं उसके बाद अगर बच्चों ने आगे कोई और ऑप्शन दबाया तो फिर दूसरे ऑप्शन में चला जाएगा। तो ये जो आगे के यहाँ केयर और क्विक दोनों लिखे हुए हैं, यहाँ पे देखिए चाइल्ड लॉक भी लिखा हुआ है जैसे कि, तो दोनों को एक साथ दबाएंगे 3-4 सेकंड्स के लिए तो चाइल्ड लॉक हो जाएगा। उसके बाद बच्चे कुछ भी दबाएं तो आपका जो पहले से सेट किया हुआ है वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो अगर आप लॉक खोलना भी चाहते हैं तो दोबारा 2-3 सेकंड के लिए दोनों को एक साथ दबाएंगे तो फिर से वो ओपन हो जाएगा। तो ये यहाँ पे बस इतना ही है और कुछ भी नहीं है। उसके बाद हम इस साइड आ जाते हैं लेफ्ट साइड में। यहाँ लेफ्ट साइड में जैसे ही आप मिशन ऑन करेंगे तो ये एक के बाद एक जो है जलना शुरू होंगे। जैसे ही आप मिशन ऑन करेंगे सबसे पहले जो है वॉश ब्लिंक होना शुरू होगा। जब आपका पूरा बर्तन, पूरे जो भी बर्तन आपने इसमें डाले हैं पूरे धुल जाएंगे, उसके बाद रिंस ऑप्शन में आएगा। तो वन बाय वन जैसे वॉशिंग मशीन में होता है सेम फंक्शनिंग पूरी सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। और उसके बाद जब रिंस हो जाएगा उसके बाद इसी के अंदर स्टीम के थ्रू ये पूरे बर्तनों को सुखा भी देता है और उसके बाद क्लीन। तो जैसे ही ये क्लीन हो जाएगा आपको यहाँ डिस्प्ले में इधर CD करके आएगा, मतलब क्लीन है करके। अब इसके अंदर कैसा रहता है वो पूरा मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये डिशवॉशर अंदर से कुछ ऐसा दिखता है, इसमें 2 ट्रेस रहती है और इसमें 3 फैंस है। एक्चुअली जो बाकी कंपनी के हमको डिशवॉशर आते हैं उसमें 2 ही फैन रहते हैं, ये LG में पहला है कि इसमें आपको 3 फैंस आते हैं जो जिसकी वजह से क्लीनिंग बहुत अच्छी होती है। तो ट्रेस में जाने से पहले मैं आपको यहाँ पे सॉकेट्स दिखा देती हूँ। यहाँ पे ये एक सॉकेट है जिसमें रिंसेट डलता है, इसको जैसे ही दबाऊंगे ऐसे ऑटोमेटिक वो खुल जाता है। तो यहाँ पे रिंसेट डलता है जिससे कि बर्तनों में शाइन आती है और जो भी आपके हार्ड स्टेन्स है वो सब निकल जाते हैं। उसके बाद इसको दबाते ही यहाँ पे ये सॉकेट खुलता है, इसमें जो है हम डिटर्जेंट डालते हैं या तो तीनों जो भी हमारे पास डिटर्जेंट, रिंसेट और सॉल्ट का एक कॉम्बिनेशन टैबलेट आता है वो हम इसमें डाल सकते हैं। लेकिन उस पर एक ये है कि टैबलेट हमें तभी यूज़ करना चाहिए जब हम फुल लोड कर रहे हैं उसको, क्योंकि अगर आप हाफ लोड में भी अगर वो टैबलेट डालेंगे तो आपकी टैबलेट जो है वेस्ट हो जाएगी, उतनी ज़रूरत नहीं होती है अगर आप थोड़ा थोड़ा ही उसमें बर्तन रख रहे हैं। तो डिटर्जेंट, अगर आप डिटर्जेंट, सॉल्ट और रिंसेड है वो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं, थोड़ा कम कर सकते हैं अगर बर्तन कम है तो। तो आप दोनों यूज़ कर सकते हैं, दोनों को अपने पास रख सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ द यूटेंसिल्स यू कैन यूज़ ऑल दोज थिंग्स। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये 2 ट्रेस आपको दिख रही है, तो इसका फ्रंट साइड जो है यहाँ है, जिस भी कंपनी का आपने लिया है ये फ्रंट में होना चाहिए दोनों में, क्योंकि ये ट्रेस जो है पूरी बाहर आ जाती है और आप जब दोबारा इंसर्ट करेंगे तो आपको इसी तरह से ही इंसर्ट करनी है इसको, इस वाली चीज़ को पीछे नहीं करना है, वरना जो है आपका ये वाला जो डोर है ये बंद नहीं होगा। उसके बाद इसमें ये कटलरी का एक बॉक्स आता है, अगर आपके पास चम्मच वो सब बहुत ज़्यादा है तो इसमें रखेंगे, तो अगर आपको लग रहा है कि सफिशिएंट नहीं है अगर आप ट्रे में रखते तो आप इसमें भी अरेंज कर सकते हैं, लेकिन इसका काफ़ी कम यूज़ होता है, इतना ज़्यादा यूज़ होता नहीं है, क्योंकि इतने ज़्यादा चम्मच तो जब तक कोई गेस्ट या कोई घर में पार्टी वार्टी नहीं हो तब तक इतने चम्मच होते नहीं है। तो इसको भी यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द क्वान्टिटी। जो ट्रे है देखिए मूवेबल है, पूरी बाहर आ जाती है, ये देखिए ऐसे पूरा निकाल सकते हैं इसको। तो इसमें इस साइड 4 व्हील और इस साइड 4 व्हील है और ये जो व्हील्स है वो इस चीज के ऊपर बैठती है और यहाँ पे ये जो पंखे हैं, तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये फैन है, इसमें आपको ये होल्स दिखाई दे रहे हैं, ये वाले ये जो होल्स है इसमें से जो है पानी स्प्रे होता है और जिससे कि बर्तन साफ होते हैं। आपको ये जाली दिख रही है और ये जो दिख रहा है, अगर आपके बर्तनों में कुछ कचरा है वो इसमें आके जमा हो जाता है और ये बहुत इजीली निकल जाता है, बस ऐसे करके इसको ऐसे घुमाने से ये इसके साथ में दोनों के साथ में बाहर आ जाता है। तो अगर कुछ कचरा होगा वो इसमें आ जाता है, अभी तो क्लीन है क्योंकि मैंने हर वॉश के बाद इसको साफ कर दिया है। हर वॉश के बाद थोड़े बहुत चावल और थोड़ा जो भी कचरा रहता है, वैसे तो हमको डालना नहीं चाहिए कचरे के साथ में कोई भी बर्तन, जो मैक्सिमम जो भी कचरा होता है वो पहले ही निकाल देना चाहिए। और ऐसे लगा के देखिए टाइट भी हो गया, और हर वॉश के बाद इसको क्लीन करना चाहिए क्योंकि बहुत इजीली बाहर आ जाता है और दोबारा भी आप इंस्टेंटली बहुत इजीली लगा सकते हैं। अभी ये जो सॉकेट है इसमें जो है नमक डलता है, देखिए आपको इसमें नमक के ग्रैनुल्स दिख रहे होंगे और पानी भी है। तो इसमें नमक जो है जब स्टार्टिंग में जो डब्बा आता है वो पूरा इसमें डाल देना होता है, और अगर ख़त्म हो जाता है तो इंडिकेशन आपको कैसे भी डिस्प्ले में दिख जाएगी। तो चलिए उसका नीचे का पोर्शन मैंने आपको पूरा दिखा दिया, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। रही बात अब इसकी ट्रे की, तो ये जो LG में जो डिशवॉशर आता है ये 14 प्लेट्स का सेट है,
बाकी डिशवॉशर में 12 प्लेट सेट होता है, तो इसमें जो है आप उतनी प्लेट सेट कर सकते हैं, 14 प्लेट तक सेट कर सकते हैं। तो ये जो भी ग्रिल्स होती है आप इसको फोल्ड कर सकते हैं आपके बर्तनों के हिसाब से। तो जैसे मैंने अभी पूरा फोल्ड कर दिया, अभी कुछ भी उठा हुआ नहीं है, तो जो बर्तन रखने आप पूरे एक साथ रख सकते हैं, ऐसे इसके ऊपर रख सकते हैं। अगर आपके प्लेट्स बहुत ज़्यादा है तो आप इसको फिर से उठा के इसमें जो है प्लेट सेट कर सकते हैं। इस साइड भी है, दोनों साइड दी हुई है। अगर प्लेट्स की साइज़ कुछ मोटी है तो वो भी रख सकते हैं, और कढ़ाइयाँ भी बीच में आप रख सकते हैं। ये देखिए इतने सारे इसमें ऐसे दिए हुए हैं, अगर पतला चाहिए तो आप पतला कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से, और इस साइड भी है। तो इसमें आराम से आप प्लेट फिट फंसा सकते हैं आराम से। अगर आपको इसकी ज़रूरत नहीं है तो आप इन सबको फोल्ड कर सकते हैं। तो सारे बर्तन इसमें, काफ़ी बर्तन आ जाते हैं, ऐसा लगता नहीं है कि इतने बर्तन आएंगे, लेकिन काफ़ी सारे बर्तन आ जाते हैं। और बर्तनों को रखते टाइम आपको एक बात जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसको ये ध्यान में रखना है कि आपको बर्तन कभी भी ऐसे डोंगा, जैसे हम जिसमें इस एंगल में खाते हैं, इस एंगल में नहीं रखना है, उल्टे एंगल में ही रखना है, क्योंकि वाटर स्प्रे जो है नीचे से ऐसे मारता है, तो आपके बर्तन भी पूरे उल्टे होने चाहिए तभी वो क्लीन होगा। अगर आपने ऐसे करके रख दिया है तो पानी पूरा उसके अंदर भर जाएगा और क्लीन नहीं हो पाएगा। अभी ऊपर वाली शेल्फ में आ जाते हैं। ऊपर वाली शेल्फ में जैसे कि ये है, यहाँ पे आप स्पून डाल सकते हैं, और लंबी जो आपकी कड़चियाँ होती है वो भी डाल सकते हैं। और अगर आपको इसको यूज़ नहीं है तो आप इसको फोल्ड करके ऊपर भी कर सकते हैं, और ऐसे डायरेक्ट भी इसको क्लोज कर सकते हैं। तो इस वाली में आप छोटी कटोरियाँ और ये सब चीज़ रख सकते हैं, लेकिन आप अगर इसको ऊपर करके अंदर डालेंगे तो ये अंदर नहीं जाएगा, स्टक हो जाएगा, इसको आपको ऐसे ही रखना पड़ेगा। तो इस वाले में भी आप चम्मच वम्मच जो भी है, कड़ची वर्ची वो सब डाल सकते हैं। ये जो आगे बड़े वाले दिए हैं इसमें बड़ी वाली कड़ची आती है, बाकी सब में स्पून्स आते हैं। इसमें भी छोटी अगर आपकी प्लेट्स है, जो टिफ़िन प्लेट्स होती हैं वो भी रखना चाहें तो आप इसमें भी रख सकते हैं। तो ये इसमें भी दिया हुआ है, इसको खड़ा करना चाहें तो खड़ा कर सकते हैं, अगर ज़रूरत नहीं लग रही है तो आप इसको फोल्ड कर सकते हैं। तो इसमें देखिए ये एक और पार्टीशन है, तो आपके बर्तनों के हिसाब से अगर आप इसको खड़ा रखना चाहते हैं और वहाँ पे ओनली कप्स रखने चाहते हैं पीछे, तो वो भी रख सकते हैं। अगर ज़रूरत नहीं तो इसको भी ऐसे फोल्ड कर सकते हैं। और ये वाली ट्रे भी पूरी बाहर आ जाती है, तो यहाँ पर जैसे मैं दिखाती हूँ आपको साइड में, ये देखिए साइड में ये लॉक है, इसको उस साइड भी ऐसा ही है, उन दोनों को प्रेस करके इसको बाहर खींचेंगे तो ट्रे बाहर आ जाती है, और लगाना भी बहुत ईजी है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं और रख सकते हैं। इसमें अरेंज करना हो या जो भी है, बहुत इजी प्रोसेस है, इसका यूज़ तो बहुत ही ज़्यादा इजी है। आपको लगेगा कि अरेंज करने में काफ़ी टाइम लग रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप रोज़ जब इसमें अरेंज करना शुरू करेंगे तो आप 2-3 मिनट में ही आराम से इसमें अरेंज कर सकते हैं। स्टार्टिंग के दिनों में आपको थोड़ा टाइम लगेगा कि आपको क्या चीज़ें कहाँ अरेंज करनी है, थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन जब आपको इसकी आदत पड़ जाएगी तो आप बहुत जल्दी जल्दी इसमें अरेंज कर लेंगे। और सूख जाते हैं तो क्योंकि ऑलरेडी अरेंज रहते हैं तो हमको सारे बर्तन दिखते हैं कि कौन से कहाँ पे हैं, जब हम इसको अपने किचन में अरेंज करते हैं तो वो भी बहुत जल्दी हो जाता है। तो इस डिशवॉशर में जो है आप हर टाइप के आइटम्स रख सकते हैं, प्लास्टिक भी रख सकते हैं, लेकिन बहुत पतला वाला प्लास्टिक अगर रखेंगे तो पिघल सकता है, क्योंकि हॉट वाटर जो है 90 डिग्रीज तक आता है, मैक्सिमम 45-90 डिग्रीज तक आता है इसमें गर्म पानी। तो आप जो है थोड़े डेलिकेट आइटम्स ना रखें, जो क्रिस्टल आइटम्स होते हैं इसमें वो भी ना रखें, और एल्यूमिनियम में भी कुछ चीप क्वालिटी वाले एल्यूमिनियम होते हैं वो भी ना रखें, क्योंकि वरना उनका कलर जो है जाता रहता है। बस इसको ऐसे ही खोल सकते हैं और ऐसे ही लगा सकते हैं। तो एक और चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि मान लीजिए आपने टाइम सेट कर दिया, चाइल्ड लॉक सेट कर दिया, चाइल्ड लॉक सेट करने के बावजूद भी अगर आप इसको खींचेंगे तो आपका जो है डिशवॉशर खुल जाएगा। तो इसलिए आपको बीच में इसको खोलना नहीं है। चाइल्ड लॉक में ऑलरेडी जो आपको ये सेटअप है वो ही लॉक होता है, ये नहीं लॉक होता है। तो आपका एक डाउट हो सकता है कि अगर बिजली चली गई तो क्या होगा। अगर बिजली भी चली गई तो दोबारा जब बिजली आएगी तो जहाँ पे वो रुका था वहीं से ऑन होगा, लेकिन आप बिजली जाने के बाद या बीच में अगर इसको खोल देते हैं तो ये प्रॉब्लम होगी कि दोबारा वो स्टार्टिंग से शुरू होगा, और उसमें क्या है, जो भी आपने डिटर्जेंट वेटेंट डाला है वो सब दोबारा आपको डालना पड़ेगा, क्योंकि पहले वाले प्रोसेस में पूरा ले चुका होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। उसके अलावा जब आप टैप के नीचे बर्तन धोते हैं तो पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। इसमें पानी ऐसा कुछ वेस्टेज भी नहीं होता है ज़्यादा, ओनली मैक्सिमम 8-19 लीटर तक ये पानी यूज़ करता है, तो पानी की भी बहुत बचत होती है और आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी इतना नहीं आता है। तो ओवरऑल जो है एक फ़ायदे की डील है ये। तो मैं तो सजेस्ट करूँगी कि जो भी लेने के लिए सोच रहे हैं, जिनके दिल में थोड़ी बहुत शंका है,
वो सारी दूर करके आप इसको ले लीजिए। तो ये था पूरा इसका रिव्यू इसके बारे में। तो चलिए अब मैं इसका फाइनली डेमो दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे बर्तन धुल चुके हैं और जैसे ही धुलते हैं उसके बाद आप इसको पूरा ना खोल के थोड़ा ऐसे खोल के रख दीजिए ताकि जो भी स्टीम है वो बाहर निकल जाए। और उसके बाद 5 मिनट के बाद जो है आप पूरा ओपन कीजिए, क्योंकि स्टीम रहेगी तो थोड़ा गर्म गर्म आपके हाथ में लग सकता है, मतलब इतना गर्म तो नहीं होता है फिर भी थोड़ा 5 मिनट के बाद निकालना ही बेटर रहता है। तो अभी 5 मिनट हो गए हैं और मैं अभी इसको ओपन कर रही हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ उसकी क्लीनिंग कैसी है। देखिए एकदम साफ़ है, ये एकदम जो है शाइनी हो चुके हैं। और आप रेगुलरली अगर यूज़ करेंगे, जो जिनकी शाइनिंग चली गई है उसकी भी शाइन धीरे धीरे आ जाएगी। तो एकदम साफ़ हो चुका है, ये जो आपको दाग दिख रहे हैं एक्चुअली बहुत दिन पहले ये जो दूध का ये है, दूध जल गया था तो उसके बाद मैंने रगड़ा था तो वो स्पॉट्स उसके हैं, लेकिन सफाई मतलब पूरी हो चुकी है इसमें। और प्लास्टिक भी मैंने रखा था तो देखिए जैसा था वैसा ही है। तो हार्ड प्लास्टिक हो तो वो आप रख सकते हैं, अगर सॉफ्ट प्लास्टिक है तो वो मत रखिए, ज़्यादा हीट में पिघल भी सकता है। ये देखिए प्लेट्स,
और दूध की बॉटल भी आप इसमें रख सकते हैं, आपको अलग से बॉयल करने की भी ज़रूरत नहीं क्योंकि बहुत ही अच्छी तरह साफ़ कर देता है ये। ऊपर वाली ट्रे में भी दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए आपको चमकते हुए बर्तन पूरे नज़र ही आ रहे होंगे। ये जो मैंने कड़छी रखी थी एकदम पूरी दाल के साथ लिपटी हुई थी ये, जो अभी एकदम साफ़ हो चुकी है देखिए। और उसके अलावा ये चमचे भी सारे एकदम ग्रीजी ग्रीजी थे, ये भी सब साफ़ हो चुके हैं। इन कप्स में जो है चाय थी और ये मिक्सी जार में जो है बहुत सारा कचरा वचरा था। और चाय के कप्स भी दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए एकदम क्लीन हो चुके हैं, बिल्कुल भी दाग नहीं है। तो सारे जो भी बर्तन हैं, चम्मच देख लीजिए कितना शाइन कर रहा है, और ये चाय की छलनी देख लीजिए साफ है एकदम, और सारे आइटम बहुत ही नीट एंड क्लीन है। तो इनको आप, क्योंकि ऑलरेडी ये मिशन ही ड्राई कर देता है, तो आप इनको अपने किचन की अलमारियों में भी दोबारा सेट कर सकते हैं। तो ये था मेरा डिशवॉशर का डेमो एंड रिव्यू। डिशवॉशर को ख़रीदने के बाद मेरे को तो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट लग रहा है, मैंने काम वाली को बंद करा दिया लेकिन अभी फ़िलहाल तो मुझे कोई मुश्किल नहीं लग रही। आज काम वाली बंद करा के भी 2-3 दिन हो गए हैं, सारा काम मैं इजीली कर रही हूँ क्योंकि घर में जो भी सबसे ज़्यादा काम होता है वो बर्तन वाला ही होता है। जब तक घर में किचन में बर्तन पड़े रहते हैं ऐसा लगता है कि घर का कोई काम ही नहीं हुआ है। तो जब वो ही झंझट हमसे ख़त्म हो जाए तो बाकी सब तो बिल्कुल टेंशन ही नहीं रहती बाकी चीज़ों की। और जब से मैंने डिशवॉशर ख़रीदा है मेरे घर में बर्तन बिल्कुल झूठे वाले रह ही नहीं रहे हैं। अब ये मुझे वीडियो शूट करना था इसलिए मैंने कल से जो है बर्तन डिशवॉशर में नहीं डाले थे, कल शाम से नहीं डाले थे, सुबह तो डाल दिए थे। और डालने के बाद जो बचे हैं मैं, क्योंकि अगर डेमो के लिए एक दो बर्तन भी नहीं रहेंगे तो डेमो कैसे दिखाएंगे करके मैं इकट्ठे कर रही थी बर्तन। और दूसरा फ़ायदा ये है कि आपके जो किचन में कॉकरोचेस आते हैं वो भी आपके बर्तनों की वजह से आते हैं, जो झूठा खाना या झूठे बर्तन जो होते हैं उसी की वजह से आते हैं। जब झूठे बर्तन ही रहेंगे तो कॉकरोच कहाँ से पनपेंगे, तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। झूठे बर्तन नहीं है तो कॉकरोच का भी झंझट नहीं है और बाकी खर्चा भी उसका भी नील। तो हर तरफ से मेरे को तो डिशवॉशर बहुत ही यूज़फुल लगा। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, काफ़ी लोग अगर ये सोच रहे होंगे कि ये स्पॉन्सर्ड वीडियो है, तो नहीं है। जब कभी मैं कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो करूँगी तो आपको पक्का बताऊँगी। और दूसरी बात, ये स्पॉन्सर्ड वीडियो का करने का ये मतलब नहीं है कि हम पैसे ले रहे हैं तो उसके बारे में अच्छा ही बताएंगे, अगर उसमें कोई बुराई है तो हम बुराई भी बताएंगे। ये चीज़ें हम ऑलरेडी कंपनी से पहले ही शेयर कर लेते हैं, चाहे गुड हो चाहे बैड हो, हम अपने सब्सक्राइबर्स को एक जेन्युइन रिव्यू देंगे करके। तो वैसे तो ये स्पॉन्सर्ड नहीं है लेकिन स्पॉन्सरशिप के बारे में अगर जिसको पता नहीं है या जिनको कोई गलतफहमी है वो मैं क्लैरिफाई करने के लिए ये बता रही थी। तो ये था मेरा आज का वीडियो, आशा करती हूँ कि आप सबको पक्का इससे कुछ ना कुछ हेल्प मिली होगी और काफ़ी लोग ये वीडियो देखने के बाद खरीदना भी सोच रहे होंगे। तो देर मत कीजिए, अगर आप सोच रहे हैं खरीदना तो जाके खरीद लीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो आज का वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ और मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।